नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। IDFC फर्स्ट बैंक में भी तेजी देखने को मिली है पिछले 3-4 महीने के अंदर। स्टॉक प्राइस 61 रुपीज तक पहुंचा है, 52 एक लो था इसका 28 रुपीज का, तो अच्छी एक तेजी बनी है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड में भी। जिनके पास IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड है तो आगे की बात करेंगे शेयर प्राइस के अनुसार, और फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, लास्ट क्वार्टर में क्या नंबर्स रहे थे उसकी बात करेंगे। और जैसे कि शेयर बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में एक तरह से तेजी है, अगर गिर भी रहे हैं तो बाइंग तेजी से आ रही है दोस्तों। जैसे कि देखिए PSU बैंक एक तरह से भाग रहे हैं और प्राइवेट बैंक्स में भी तेजी है। तो IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक प्राइस तेजी में है, 60 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे, फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं और ग्रॉस अनपेज नेट अनपेज की बात करते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक का आगे क्या रहेगा इसके बारे में एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। तो IDFC फर्स्ट बैंक की बात कर रहे हैं तो देखिए इसके लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स थे, IDFC फर्स्ट बैंक के जो लास्ट क्वार्टर में नंबर्स थे, 5469 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न था, टोटल इनकम 6531 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 567 करोड़ का था दोस्तों। तो मुनाफा बढ़कर आया था और इंटरेस्ट इनकम भी बढ़कर आया था, इंटरेस्ट अर्न भी बढ़ा था। ग्रॉस अनपेज नेट अनपेज की बात करते हैं तो देखिए इसका ग्रॉस अनपेज IDFC फर्स्ट बैंक का 3.18 का है और नेट अनपेज 1.09 का है। इसका जो मार्केट कैप है IDFC फर्स्ट बैंक का 38,618 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 30 का है, अर्निंग पर शेयर है 2.72 का। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले 3 साल का जो रिटर्न है IDFC फर्स्ट बैंक का 43% का है, 1 साल का रिटर्न 24% का है, 3 महीने का रिटर्न 21% का है। तो पिछले 3 महीने से इसमें तेजी बनी हुई है और ये फाइनेंशियल नंबर हैं। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस, मार्केट कैप और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात थी। तीसरी तिमाही इंपॉर्टेंट रहेगा और अभी डेट नहीं आई है रिजल्ट कब आएंगे, नए साल में इसके नतीजे आएंगे तीसरी तिमाही के। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक का ये ग्राफ लगा हुआ है, 1 साल का ग्राफ है और स्टॉक प्राइस 61.95 में है। पूरे साल भर की बात करते हैं तो 35% का रिटर्न मिला, बट ये कि अगर आप इसको पिछले जून यानी मीन इसी जून 21 जून 2022 को 30 रुपये में था दोस्तों, ये ऊपर की तरफ से ये गिरा था और नीचे की तरफ इसने लो बनाया 28.95 का, 52 एक लो 28.95 और बढ़ कर देखिए ये सीधे से पिछले 4-5 महीने से लगातार बढ़ रहा है दोस्तों, ये लगातार ऊपर की तरफ स्टॉक है 61.95। लास्ट जो ट्रेड हुआ था 62.10 ओपन, 63 हाई बनाया और 61.20 का लो है इंट्राडे का, 52 एक हाई है 64.30। तो ये रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों, ये रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों, इसको अगर ब्रेक करता है तो 70 रुपीज़ के आसपास इसका एक हडल होगा, और अगर 70 रुपीज़ के आसपास ही ट्रेड करने लग जाएगा तब इसमें तेज़ी बनेगी दोस्तों, नहीं तो एक मुनाफा वसूली आती भी दिख सकती है। क्योंकि देखिए 28 रुपये से 67-70 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत जिनका टारगेट हिट होगा तो मुनाफा वसूली करते हुए दिखेंगे। बाजार में अगर गिरावट भी आती है जैसे 61 रुपये में है तो थोड़ा बहुत ये अगर नीचे की तरफ आता है तो बाउंस बैक होता हुआ दिखेगा, बुलिश मोड बना हुआ है और 10% बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अपने टॉप में चल रहा है ये साल भर का अगर हम ग्राफ देखें, और मैक्सिमम ग्राफ देखते हैं। देखिए जो इसका मैक्सिमम ग्राफ है तो देखिए ये एक तेज़ी बनी है, ऊपर की तरफ स्टॉक निकला है तो 70 रुपीज़ के आसपास थोड़ा बहुत हडल रह सकता है इसका, और इसके ऊपर अगर निकलता है स्टॉक 70 के ऊपर आने वाले महीनों में नतीजे अच्छे आएंगे तो स्टॉक फिर 79 और 80 रुपीज़ तक जाता हुआ देख सकता है। और ये प्राइस था इसका 2016 में 75 रुपीज़ के ऊपर था, ये 79 का प्राइस था 80 रुपीज़ का, ये 2016 में था दोस्तों, ये मैक्सिमम चार्ट है। तो तेज़ी तो बनी है IDFC फर्स्ट बैंक में, जिन निवेशकों के पास है तो होल्ड करना चाहिए इसमें, और जिनके पास कम समय है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस या SL लगाना चाहिए, और स्टॉक में अगर गिरावट आती है नीचे की तरफ स्टॉक आता है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। तो ये IDFC फर्स्ट बैंक का
चार्ट पैटर्न के अनुसार एनालिसिस है। फाइनेंशियल नंबर थे, फंडामेंटली एक तरह से इम्प्रूवमेंट रहा है। तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे रहते हैं, प्रॉफिट बढ़कर आता है और इंटरेस्ट रन बढ़ता है, एसेट क्वालिटी में सुधार होता है, तो स्टॉक में और तेजी होती हुई दिख सकती है, 80 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो ये IDFC फर्स्ट बैंक का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।